जागरूकता की कमी है, लोगों में हेल्थ को लेके हो या हाइजीन को लेके हो, इसके लिए वो अवेयर नहीं है। जो मेजर कॉजेस हमको समझ में आ रहे हैं आईएमआर के, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब कंसीव करती है लेडी तो कंप्लीट अपना न्यूट्रिशन नहीं लेती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड की वो आयरन फॉलिक एसिड जो टैबलेट है वो नहीं लेती है, कैल्शियम नहीं लेती है, प्लस उनको जो न्यूट्रिशन और प्रोटीन वगैरह चाहिए वो भी नहीं ले पाती, उनका रेगुलर चेकअप नहीं होता। सेकेंड जो लैकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की लैकिंग है कि वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इतने सब एनकरेजमेंट के बाद भी अवेल नहीं करती है, क्योंकि उनके अंदर जो अवेयरनेस होना चाहिए वो अवेयरनेस जनरेशन इन लोगों के बीच में नहीं है। हमने जब उनके घरों में जाकर देखा तो वहाँ पर जो चूल्हा होता है, चूल्हे में खाना बनता है, वहीं पर सारे राख को किनारे में कर दिया जाता था, जलाने के बाद गोबर से लिप दिया जाता था जिससे बहुत सारे कीटाणु उत्पन्न होते हैं। बच्चे को माँ का पहला दूध यदि नहीं पिलाते हैं तो ऐसी स्थिति जान पड़ती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों को झटके आने लग सकते हैं, इस तरह की स्थिति पैदा होती है। और उस समय इमीडिएट हेल्थ वर्कर्स की, वॉलेंटियर्स की जो हेल्थ में जानकारी रखते हैं उनकी सख्त ज़रूरत होती है, और जानकारी के अभाव की वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब डेथ को रोका जा सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो संकल्प सांस्कृतिक समिति है उसको 24 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। अवेयरनेस से रिलेटेड हम लोगों ने पहले तो IEC किया है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रांग है हमारा। हम कम्युनिटी मीटिंग करते हैं, हमारी जो डॉक्टर होती है वो मेडिकल काउंसलिंग का भी काम करती हैं, प्लस हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो इस चीज को आगे स्प्रेड ऑन करते हैं। अगर हम अपने देश के एक सबसे छोटे बच्चे को नहीं बचा पाए, न जाने उसमें कितने लोग साइंटिस्ट होंगे, उसमें कोई नेहरू होगा, कोई गांधी होगा, कोई आइंस्टीन होगा, कोई न्यूटन होगा, तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो हमें इस तरह के स्पिरिट लेकर पूरे समाज को साथ में लेकर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स, कॉलेज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रिलीजियस ग्रुप्स, ये सब लोग मिलकर साथ में अगर चलें तो मुझे लगता है कि हम अपने बात को नीचे तक पहुंचाएंगे और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में हम काफ़ी रिडक्शन होगा और एक समय आएगा कि जब हम उसको 100% प्रिजर्व कर पाएंगे।